आज ही करेंगे अपने हिसाब से, ज्यादा उतना किसी को हार्ड अगर नहीं करना है। दाई कस तो जा तो अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह चुका है यमुनोत्री, जो हमारे साथ थे वो पीछे ही हैं, हम लोग सबसे आगे लीड में कर रहा है और पीछे प्रज्वल लीड कर रहा है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कई लोग पालकी में जा रहे हैं, कई लोगों को रिफ्रेशमेंट्स चाहिए तो वो लोग रास्ते में खड़े होकर यहाँ पे पहाड़ी ककड़ी और फल फ्रूट वगैरह और भुट्टे वगैरह खा रहे हैं। देख सकते हैं नीचे यहाँ पर यमुना जी भी बह रही हैं और ये पीछे से अमृता दीदी भी आ रही है जी, अपने पहाड़ी भैजी ककड़ी। यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं और लोगों का भी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, 4 लोग आए जा रहे हैं, बस अपने लोगों का वेट कर रहे हैं। आगे सबके सब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से पूरी स्टीप चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे लोग घोड़े पे भी जाते हुए, और यहाँ पे देखिए कितना शानदार ये वाटरफॉल बह रहा है। और यहाँ पे जो अपने ये नेपाली भाई हैं जो पालकी वगैरह पे लेके जाते हैं, ऐसे बढ़िया एंजॉय करते हुए जाते हैं, अपना बढ़िया गाने गुने बजाते हुए जी। सुन पा रहे होंगे आप, सुनिए तुम, बीच रास्ते तक तो पहुँच ही गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यस मैम ओके फॉर श्योर। और ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर से पूरी यमुना नदी आ रही है, और वो देखिए ऊपर कैमरे में तो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा पर मौसम बहुत सुहाना है। ऊपर देख रहे होंगे आप कैसी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, और बहुत पब्लिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे पिट्ठू पे जा रहे हैं, कई घोड़े पे, बहुत पब्लिक है। और यहाँ से पूरी स्टीप चढ़ाई है, यहाँ से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर रह चुका अभी, तो काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ काफ़ी ऊपर। और अब यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है तो दिखाता हूँ आपको, कैमरे में तो जस्टिफाई नहीं होता, पर ऊपर देखिए पूरा फॉग ही फॉग हो गया। अब थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगता है कि पूरा फॉग ही हो जाएगा। भाई मस्त अपना गाना चलाते हुए पालकी उठाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, बहुत दूर से आए हैं। नहीं एंजॉय करते हुए सब चल रहे हैं। अब ऊपर मौसम देख सकते हैं बहुत तगड़ा हो चुका है। यहाँ से पूरा अभी हमें वो भी क्रॉस करते हुए जाना, और पूरे उस पर ट्रैफिक है और बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही है, और मौसम भी बहुत फॉगी हो गया, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा काफ़ी देर से चल रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस जगह का नाम क्या है? ये भैरव घाटी। अच्छा ये भैरव घाटी है, तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे ऐसी थोड़ा देर के लिए, चाय वगैरह पी रहे थे मेरे साथ के जो गेस्ट में लेकर आया हूँ। तो फाइनली अब इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुँच चुके हैं, पहुँचने वाले हैं जस्ट 500 मीटर। तो अब यहाँ से पूरा ज़िगज़ैग वाला रास्ता जो है ख़त्म हो गया, पूरा सीधा सीधा रास्ता है अब देख सकते हो। और जो मेरे गेस्ट हैं उनको भी काफ़ी आराम मिल चुका है, तो दिखाता हूँ आगे, बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी हैं। और अब मौसम का भी हाल जो है एकदम सही हो गया, खुल चुका है। तो अब हम फाइनली गंगोत्री मंदिर जो है, गंगोत्री जी का जो धाम है वो दिखने लग गया है। अभी आपको भी दिखाता हूँ, अभी बहुत ट्रैफिक हो रहा है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। गला भी ख़राब हो चुका है मेरा,
गोइंग कमिंग बैक। हाँ सब घोड़े का इस्तेमाल करते हैं पीपल। यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, देखिए पूरी दुकान जो है वो अब दूर हो चुकी है, पर आप बने रहें तो और पीछे दिखा। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, तो दिखाता हूँ यहाँ से गंगोत्री धाम जो है यहाँ से देखना शुरू हो चुका है, दिखाता हूँ आपको। अरे साढ़े जा तो हम फाइनली गंगोत्री के टेंपल पहुंच चुके थे, और पीछे देख सकते हो आप मेरे यहाँ पे जो है ये पूरा गर्म स्नान कर रहे हैं, और लेके चलता हूँ आपको आगे। ये मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ, देख सकते हो ये सामने पे गंगोत्री का मंदिर है, बहुत भीड़ है यहाँ पे नीचे, पूरा देखिए पूरा पब्लिक है, पूरी पब्लिक है हर जगह। ये मंदिर है यहाँ से, मंदिर परिसर, लेके चलता हूँ आपको मंदिर के पास। देख सकते हो सर आप लोग कितना भीड़ पब्लिक हो रही है यहाँ पे। और ये यमुनोत्री जी का मंदिर है,